रसल फैमिली फाइनली ड्रू मैकइंटायर के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला रसलमेनिया 40। सेथ रोलिंस के ही नाइट होने वाली है खराब रसलमेनिया 40 की, क्योंकि WWE ने हमें हिंट दे दिया है कि ड्रू मैकइंटायर बनेगा WWE का न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो रसलमेनिया 40 में ड्रू मैकइंटायर एंड सेथ रोलिंस एक दूसरे के आमने सामने जाने वाले हैं। भूखा शेर जाएगा सेथ फ्रिकिंग रोलिंस के पीछे रसलमेनिया 40 में, करेगा अंत सेथ रोलिंस का, क्योंकि बता दूं टाइटल के भूखे हुए हैं ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर के सामने जो भी आता है वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में उसे पूरी तरह से ड्रू मैकइंटायर किनारे कर देते हैं। और ऐसे में रूमर निकल के सामने आ रहा है कि सैमी जेन भी इस मैच में ऐड होने वाले हैं और ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बनने वाला है। बट ड्रू मैकइंटायर सैमी जेन को भी ठिकाने लगा देंगे अगर उनके सामने आए तो। ड्रू मैकइंटायर का ऐसा मानना है कि वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में वो सिर्फ रहना चाहते हैं और इन वर्ल्ड टाइटल ही चाहिए, चाहे उनके आगे कोई भी हो, सेथ रोलिंस हो या सीएम पंक हो। और ड्रू मैकइंटायर हाल ही में सीएम पंक को भी ट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ सीएम पंक को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि सीएम पंक ही ऑफिशियल मेंबर थे जो कि सेथ रोलिंस को चैलेंज करते रहे रेसलमेनिया 40 के लिए। लेकिन जब सीएम पंक इंजर्ड हो गए तो ड्रू मैकइंटायर को चांस मिल चुका है रेसलमेनिया 40 में सेथ रोलिंस के साथ नाइट वन के हेडलाइन करने के लिए। ऐसे में ड्रू मैकइंटायर अब जीतेगा भाई रेसलमेनिया 40 में। पूरी तरह से कंफर्म है कि ड्रू मैकइंटायर एंड कोडी रोड्स बनेंगे WWE के न्यू चैंपियंस और रेसलमेनिया 40 में सारे जो टाइटल्स हैं वो हैंड बदलेंगे, ऐसा कुछ रूमर्स का कहना है। वहीं आपको बता दूं भाई रेसलमेनिया 40 की एंडिंग भी कुछ कमाल की होने वाली इस मैच की, जब ड्रू मैकइंटायर टाइटल रेस करते हुए नजर आएंगे और सेथ रोलिंस हार लेते हुए नजर आएंगे। उसमें इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा द पीपल्स चैंप्स ब्रामा बुल रॉक का। रॉक भाई सेथ रोलिंस के पीछे पूरी तरह से पड़ चुके हैं और कोडी रोड्स के साथ रॉक एंड रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन का भी फ्यूड चल रहा है। तो ऐसे में द ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलने वाली है रेसलमेनिया 40 में और उसके हेल्प से ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बनेंगे। और शुरू से यही दिखाया जा रहा है, जब से हिल बने हैं ड्रू मैकइंटायर वो द ब्लड लाइन से ही पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर सबको मार रहे हैं। भाई रेसलमेनिया 40 ने क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकइंटायर हारे थे रोमन रेंस के हाथों से, तब से ड्रू मैकइंटायर को भूख है टाइटल की और तब से ड्रू मैकइंटायर के हाथ एक भी टाइटल नहीं लगा। तो ऐसे में भाई रेसलमेनिया 40 में जब द ब्लड लाइन ड्रू मैकइंटायर का साथ देगी तो ड्रू मैकइंटायर को समझ में आएगा कि इसी वजह से हम हारे थे और इसी वजह से जीते हैं। तो ड्रू मैकइंटायर का जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा और ब्रोकन ड्रीम का थीम सॉन्ग भी रेसलमेनिया 40 में आपको देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर का। तो आई होप आपको वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब।